खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद। मेरठ मित्र चैनल एन टीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। दिन है 7 सितंबर 2022। मेरठ पुलिस ने अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए एक ही दिन में दो बड़ी कार्यवाहियों को अंजाम दिया है। मेरठ पुलिस ने कुख्यात बदन सिंह बद्दू के साथी विपिन सूरी की 75 लाख से 80 लाख की संपत्ति को कुर किया है। वही स्मैक बेचने वाले 3 आरोपियों को 5 लाख की स्मैक तमंचा और ज्वेलरी सहित हिरासत में लिया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह बदन सिंह बद्दू के सहयोगी विपिन सूरी की संपत्ति को कुर किया जा रहा है। आपको बता दें, कुर की गई संपत्ति की कीमत तकरीबन 75 लाख से 80 लाख के करीब बताई जा रही है। आज सुबह इस संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही को मेरठ पुलिस ने अंजाम दिया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस बल के साथ ये बड़ी कार्यवाही की है मेरठ पुलिस ने। इससे पहले भी बदन सिंह बद्दू के साथी की संपत्ति को कुर किया जा चुका है। आपको बता दें, विपिन सूरी कुख्यात बदन सिंह बद्दू का साथी है। कुख्यात बदन सिंह बद्दू की फरारी में विपिन सूरी भी शामिल था। 28 मार्च 2019 को दिल्ली रोड स्थित होटल मुकुट महल से पुलिस कस्टडी से भागने के दौरान बदन सिंह के साथ विपिन सूरी भी था। आज बड़ी कार्रवाई करते हुए मेरठ पुलिस ने विपिन सूरी की संपत्ति कुर्क की है। कार्रवाई को अंजाम दिया, बड़ी कुर्क की कार्रवाई की है। मेरठ पुलिस ने नशे खोरों पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मेरठ में बड़ा एक्शन लिया है। 50 लाख की स्मैक के साथ 3 सप्लायर गिरफ्तार। तस्वीरों आप देख पा रहे हैं, ये शादाब, दिलशाद और नौशाद हैं। ये कॉलेज और मेरठ के मुख्य चौराहों पर स्मैक बेचा करते थे। बड़ी कार्रवाई की है मेरठ पुलिस ने। युवाओं को नशे की लत लगाने वालों पर कार्रवाई की है मेरठ पुलिस ने। गिरफ्तार अभियुक्त दूसरे जनपदों और राज्यों से लाकर मेरठ में स्मैक की सप्लाई किया करते थे। मेरठ पुलिस ने इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों मुख्य सप्लायर हैं। इनका मुखिया शादाब है। 50 लाख की स्मैक तमंचा कारतूस ज्वेलरी सहित इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार। देखिए, बदन सिंह बद्दू का सहयोगी है विपिन सूरी। ये बदन सिंह बद्दू के साथ ही गैंगस्टर एक्ट में अभियोग भी पंजीकृत है इसके ऊपर। तो इसकी जो अपराध से अर्जित एक संपत्ति है उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई की ये कार्रवाई है और इसकी अनुमानित कीमत करीब 75 से 80 लाख इसकी मार्केट कॉस्ट है। सर, बताया जा रहा है काफ़ी संपत्तियाँ विपिन सूरी के नाम है, कितनी ट्रेस हुई है? देखिए, कुछ संपत्तियों के जब्तीकरण का आदेश हो गया है। अन्य संपत्तियों के संबंध में जो कार्रवाई है वो अभी प्रचलित है और आगे भी आपको ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेगी। देखिए, कल एक सूचना के आधार पर यहाँ पर नशे का कारोबार करने वाले कुछ बड़े अपराधियों पर कार्रवाई की गई। 912 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई है। इसके साथ 1,60,000 कैश भी इनके यहाँ मिला है। कुछ सोने के आभूषण भी, जो कोई स्मैक वाला ही इनके यहाँ गिरवी रख के गया था वो, और उसके अलावा कुछ 2 तमंचे भी मिले हैं इनके पास से। और ये जो स्मैक है, इसकी अनुमानित जो बाज़ार की कीमत है वो करीब 50 लाख रखी जा रही है। ये बेसिकली मुख्य सप्लायर थे। ये अपने जो इनके भी आप पे सप्लाई करते थे उनको ये दिया करते थे और वो शहर के और ज़िले के विभिन्न जगहों पे। देखिए, ये अभी तक जो इनके पीछे का नेटवर्क मिला है वो कई जनपदों से जुड़ा है। ये जो फिलहाल गिरफ्तारी हुई है, इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, शादाब, गुलशाद और नौशाद। और इनका जो पीछे का नेटवर्क है, जैसा कि मैंने बताया, इसकी जब पूरी जाँच हो जाएगी, पूरी कार्रवाई कम्प्लीट हो जाएगी, तो उसके बारे में मुख्य जो है किसकी भूमिका ज़्यादा है? देखिए, इसमें जो शादाब है।